आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, आज तक रेडियो पर यह है पॉडकास्ट जिसमें हम किसी एक टॉपिक को चुनते हैं और उसके सारे पहलुओं पर एक एनालिटिकल किस्म की बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं शुभम शंकरधर, जिन्हें आप लोग जानते हैं। शुभम इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर हैं और आर्थिक विषयों पर इनकी न सिर्फ ये कि पकड़ बहुत अच्छी है बल्कि इसको समझाते भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हैं, सरल तरीके से हैं। शुभम, स्वागत आपका फिर से आज तक रेडियो पर, कैसे हैं? शुक्रिया, एकदम बढ़िया। सोने और चांदी दोनों की कीमतों पर आज बात करेंगे। उसको लेकर के खबर ये आ रही है कि कीमतें फिर से कम हो गई हैं। तो हम वो अखबारों में पढ़ा करते थे कि सोना फिसला, चांदी गिरी, बड़ा मजा आता था पढ़ के। और बचपन में ये सोचते थे कि ये सोना फिसल क्यों जाता है और चांदी किसकी है जो गिर जाती है बार बार, अंदर का तो समझ में नहीं आता था ज्यादा। तो अब जब हम समझ सकते हैं तो ये दोनों की कीमतें आज अब जो ताजा गिरी हैं, इसकी वजह क्या है? आपकी बात गिरी जी, देखिए अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो सोने की कीमतें करीब करीब 10% करेक्ट होती हैं। अगर हम वायदा बाजार के हिसाब से बात करें तो जो अगर आपका MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, अगर हम वहां के हिसाब से बात करें तो करीब 55,000-56,000 का स्तर था जहां तक सोना चला गया था। और आज सोने की कीमतें 50,900 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उस समय सोने का 5 अक्टूबर का जो वायदा है वो 50,936 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज भी सोने की कीमतों में करीब 417 रुपए की गिरावट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाजिर बाजार है वो भी वायदा बाजार के हिसाब से ही चलता है, तो क्योंकि अगर वायदा बाजार में गिरावट है तो हाजिर बाजार में भी गिरावट होगी। अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 4 सत्र ऐसे हुए हैं, केवल कल जो बीता सत्र है, मंगलवार का सत्र है, उसमें सोने की कीमतों में हल्की तेजी दिखी थी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 5 सत्रों में से 4 सत्र ऐसे हुए हैं जब सोने की कीमतों में गिरावट आई है। तो अगर आप देखें गिरावट का जो ये सिलसिला है ये पिछले करीब एक महीने से जारी है, जहां हम 55,000 के लेवल से लेकर और 50,000 के लेवल पर करीब 5,000-5,500 रुपए की मोटे तौर पर गिरावट देख चुके हैं। अब आपने पूछा कि इस गिरावट की वजह क्या है, तो इस गिरावट की वजह निश्चित तौर पर वैश्विक बाजार है, क्योंकि भारत के बाजार भी वैश्विक बाजारों से ही संकेत लेते हैं। और अगर दुनिया भर के बाजारों में कॉमेक्स पर सोने की कीमतें गिरती हैं तो वही दुनिया के अन्य एक्सचेंज पर भी सोने का भाव होता है और भारत के बाजार में भी वहीं से संकेत मिलते हैं। अब दुनिया के बाजार में सोने के बाजार में गिरावट आई क्यों? सोने के बाजार में गिरावट आने की जो वजह थी वो ये थी कि अमेरिका में शेयर बाजार में पिछले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली, एक। दूसरा, नौकरियों के जो वहां नंबर थे, डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि रिकॉर्ड नौकरियां पिछले 4 महीने में अमेरिका में पैदा हुई हैं। नौकरियों का पैदा होना वहां के इकोनॉमी के रिकवरी के हिसाब से एक अच्छा संकेत माना गया था, जिसके बाद डॉलर मजबूत हुआ था और डॉलर के मजबूत होने से जो सोना था वो पिघला, उसकी कीमतें गिरी और वहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये गिरावट और गहरा भी सकती थी। वो गहराई क्यों नहीं, गहराई इसलिए नहीं क्योंकि उसके साथ साथ, इन अच्छी खबरों के साथ साथ, एक जो चिंता थी वो अभी भी बनी हुई है कोविड के लगातार बढ़ते केसेस को, वो चाहे भारत में हो, वो चाहे अमेरिका में हो। अभी भी कहीं भी अगर आप देखिए तो कोविड के केसेस को लेकर जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल जाता, तब तक ये पैंडेमिक कितना, ये महामारी कितनी ज्यादा गहरी होगी, कितनी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां प्रभावित करेगी, इसका किसी को कोई भी अनुमान नहीं है। यही कारण है कि जब पॉजिटिव खबरें आ रही हैं एक तरफ तो सोना ऊपरी स्तरों से गिर रहा है, क्योंकि सोना सेफ हेवन बाइंग माना जाता है। जब दिक्कतें होती हैं इकोनॉमी में तब वहां निवेश की मांग बढ़ती है। इकोनॉमी अच्छी हो रही है, कभी रोजगार के नंबर अच्छे आते हैं, कभी मैन्युफैक्चरिंग के नंबर अच्छे आते हैं, फैक्ट्री आउटपुट अच्छा आता है, होम सेल्स अच्छी आती है, सोने की कीमतों में एकाएक तेजी हो जाती है। फिर पता चलता है कि अमेरिका, भारत जैसे बाजारों में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत और चाइना यही दो बाजार हैं जो सोने का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। वहां उपभोग नहीं होगा, डिमांड कम रहेगी, तो फिर सोने की कीमतें निचले स्तर से ऊपरी स्तरों से टूट जाती हैं। तो ये असमंजस है, ये पूरी एक ओहापोह है जहां पर हम देखते हैं कि क्राइसिस ने सोने को 38,000 से, और एक रैली जो 38,000-39,000 से शुरू हुई और 55,000 तक ले गए। उससे पहले हमने देखा कि जब पूरी दुनिया के बाजारों में, कमोडिटी बाजार में गिरावट आई तो सोना एक बार टूटते 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 50,000 से नीचे हमने देखा कि 37,000 तक 38,000 तक टूट गया। तो जो कुलदीप, मोटे तौर पर आपने पूछा गिरावट की वजह और तेजी की वजह, यही दो सबसे बड़ी वजह हैं जिनके बीच में अभी कीमतें झूल रही हैं।
ठीक है शुभम, दो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, वायदा बाजार और हाजिर बाजार। एक बिगिनर्स गाइड अगर मैं कहूँ संक्षेप में, ये क्या होता है वायदा बाजार और हाजिर बाजार? वायदा बाजार मतलब अगर आप कंप्यूटर पे सौदा डालते हैं और सोने का वायदा खरीदते हैं, अगर आप डिजिटली सोना खरीद रहे हैं तो सोने को खरीदने का एक तरीका होता है जिसे एक्सचेंज कहते हैं। जैसे शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे जाते हैं शेयर किसी कंपनी के, इसी तरह जब आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को खरीदते हैं, कंप्यूटर से सौदे डाल के गोल्ड खरीदते हैं, तो उसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा जाता है। दूसरा हाजिर बाजार, हाजिर बाजार मतलब सर्राफा बाजार। अगर मैं दिल्ली के सर्राफा बाजार में जाके जो सोने का भाव देखूंगा जानूंगा, जिस पर मैं गहने खरीदूंगा फिजिकल गोल्ड खरीदूंगा, वो हाजिर बाजार है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़े थोड़ा सा नियर फ्यूचर की, कि आप सोना खरीदने के लिए क्या ये सही समय है? मतलब अगर कोई खरीदना चाहता है नवंबर दिसंबर में, शादियों का सीजन फिर से शुरू हो जाएगा, भविष्य के अभी 2-3 महीनों में सोना किस तरफ जाएगा किसी को नहीं मालूम है, लेकिन क्या अभी जो लगातार गिरावट है ये संकेत दे रही है कि भले ही श्राद्ध चल रहा है पर खरीद लेने चाहिए? ये देखिए, श्राद्ध के समय पर वैसे भी एक मोटे तौर पर हमेशा का ये ट्रेंड है कि जो सोने की खरीदारी होती है वो नहीं की जाती है या मंद रहती है, क्योंकि ये समय ऐसा माना जाता है कि सोने की खरीद के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग इस समय मौके का फायदा उठाते हैं और इस समय सोना खरीदते हैं। लेकिन इस समय सोना खरीदने से पहले जो 2-3 फैक्टर हैं जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, वो है, सबसे पहला बड़ा फैक्टर है वो है कीमत। 50,000 रुपये के स्तर पर सोना खरीदना, एक्युमुलेट करना कितना सही है, और वो भी तब जब हमने पिछले एक महीने में 10% की गिरावट देख ली है। निश्चित तौर पर तमाम फाइनेंशियल एडवाइजर, तमाम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इस समय ये सलाह दे रहे हैं अपने जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनको, कि आप अपने पोर्टफोलियो में सोने को 5 की जगह 10% या 15% बढ़ा लीजिए। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में कनेक्ट नहीं है, ये बात RBI और तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं लगातार। तो मार्केट में क्योंकि एक गिरावट की आशंका है, अभी भी कुछ सुधरा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक कब तक सुधरेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कब तक आएंगी, GDP का नंबर इतना खराब है कि आगे आने वाले दिनों में सुधरेगा या और ज्यादा खराब होगा, अभी कहीं कुछ भी नहीं है। कल हमने देखा इंडिया रेटिंग्स, गोल्ड बैंक, तमाम नए जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि पूरे साल, पूरे वित्त वर्ष में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो माइनस में रहेगी, वो भी डबल डिजिट में रहेगी। तो इसका मतलब कि अभी आगे आर्थिक गतिविधियां कब तक पटरी पर लौटेंगी, इसका सीधा सही सटीक अनुमान किसी के पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब आपके पास आर्थिक गतिविधियों को लेकर कोई सटीक अनुमान नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपके बाजार भी एक असमंजस की स्थिति में रहेंगे, और बाजार जब असमंजस में है तो सेफ बाइंग के लिए आदमी सोना खरीदेगा। यही कारण है कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितने हैं वो ये आप सलाह दे रहे हैं कि आपके अपने निवेश पोर्टफोलियो में सोने को भी जगह दी जानी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि आप, एक तो कीमत हो गई, दूसरा हो गया कि आपकी पोर्टफोलियो में अगर बिल्कुल सोना नहीं है तो आप कितना खरीदें, कैसे खरीदें, और तीसरी बात होती है कि किस माध्यम से खरीदें। निवेश मांग करनी है आपको या आपको ज्वेलरी की मांग करनी है? जैसे आपने शादियों का जिक्र किया, शादी का जिक्र अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपकी मैंडेटरी बाइंग है, उसको आप नहीं टाल सकते। तो सीधी सी बात है, 10% अगर करेक्ट हुई है कीमतें तो एक अच्छा मौका हो सकता है, अगर आपके यहाँ शादी है आने वाले दिनों में तो आप निश्चित तौर पर एक थोड़ा सोना खरीद सकते हैं। अब आई बात निवेश की, अगर आपको निवेश करना है, शादी नहीं है लेकिन क्योंकि पोर्टफोलियो में सोना बनाना है, तो गहने से ज्यादा बेटर विकल्प बैंक के बॉन्ड्स हैं जो हर महीने RBI जारी करता है, सरकारी बॉन्ड। अगर आप गोल्ड बॉन्ड के थ्रू निवेश करते हैं या गोल्ड ETF के थ्रू निवेश करते हैं तो छोटा 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 निवेश आप हर लेवल पर एक्युमुलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 रुपये पूरा पैसा लगा दीजिए। अगर आपको 1,00,000 रुपये की निवेश करना है, आप 25,000 अभी कीजिए, 25,000 एक महीने बाद कीजिए, 25,000 एक महीने बाद कीजिए, 25,000, तो आपका एवरेजिंग हो जाएगी। आज हो सकता है 50 है, कल 52 हो, परसों 48 हो, तो आपके हर लेवल पर आपकी बाइंग होगी। तो अगर निवेश मांग है आपकी तो निश्चित तौर पर आपको गोल्ड बॉन्ड का, गोल्ड ETF का रास्ता, विकल्प चुनना चाहिए, और अगर आपकी गहने की मांग है तो निश्चित तौर पर आने वाले 1-2 महीने में आपको खरीदना है तो इस भाव पर भी खरीदा जा सकता है क्योंकि ऊपरी स्तर से 10% कीमतें करेक्ट हो चुकी है। पॉडकास्ट में गोल्ड की कीमतों पर बात कर रहे हैं आज शुभम शंकर से, एक छोटा सा ब्रेक। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है, दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं
कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट और गोल्ड की कीमतें गिर रही हैं तो आपके लिए सलाह मशविरा क्या है। हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट शुभम शंकर से। शुभम, जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा शायद ज्यादा बड़े आयाम वाला है। वो ये कि सोने की कीमत को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ये आपने एक चीज बताई कि हर साल ये होता ही है कि जो ये पितृपक्ष का समय होता है क्योंकि इसमें खरीदारी होती नहीं तो थोड़ी मंदी आई जाती है। फिर अमेरिका के बाजार से इसका एक सीधा रिश्ता है। भारत की इकोनॉमी और उसको लेकर के जो आशंकाएं हैं देश का, उससे तो सीधा रिश्ता है ही। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनको हम कहें कि ये गोल्ड की कीमतों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं अगर मैं उसमें आपको बताऊं तो सबसे पहला फैक्टर है कोरोना, कोविड-19। पूरे देश में केसेस कब तक बढ़ते रहेंगे, वैक्सीन कब आ जाएगी, वैक्सीन कब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल रहती है। कल परसों चाइना ने पब्लिक की है वैक्सीन, आज रशिया ने पब्लिक में बांटना शुरू किया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से ये बयान है कि 1 नवंबर तक वो अपने हेल्थ स्टाफ को वैक्सीन दे देंगे। इलेक्शन भी अमेरिका में है, वो भी देखना होगा, उससे पहले वैक्सीन लाने का दबाव होगा पूरी तरह। तो सबसे पहला फैक्टर जो इस समय सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहा है वो है कोविड-19 और इसके इर्द गिर्द की खबरें, चाहे वो वैक्सीन से जुड़ी हो, चाहे वो टेस्टिंग से जुड़ी हो, चाहे वो बढ़ते हुए केसेस से जुड़ी हो। दूसरी चीज जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस और चाइना के बीच तनातनी, भारत और चाइना के बीच तनातनी, ये लगातार बढ़ रही है। अभी एक खबर भी थी कल कि अमेरिका एक बड़ी चिप कंपनी है चाइना की जिस पर रोक लगा सकती है। इससे पहले हमने देखा कि टिकटॉक को लेकर पाबंदी अमेरिका में लगेगी, कहा गया कि अगर टिकटॉक को किसी यूएस आर्म में निवेश नहीं होगा तो बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है ये भी बाजार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और सेफ हेवन बाइंग के लिए गोल्ड की मांग को ये बढ़ा देती है। तो दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये। तीसरा, इकोनॉमी में अगर रिकवरी दिखेगी, अगर अमेरिका, चाइना, जापान, अगर इन इकोनॉमीज में रिकवरी के साइन मिलने लगेंगे, रिकवरी के साइन कब मिलेंगे, होम सेल्स के नंबर अच्छे हो जाएंगे, फैक्ट्री के आउटपुट अच्छे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स के नंबर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी में अच्छे हो जाएंगे, अमेरिका में जॉब्स के नंबर अच्छे हो जाएंगे, अगर ये इकोनॉमी में रिकवरी आने लगेगी तो निश्चित तौर पर वहां की करेंसी मजबूत होगी। करेंसी मजबूत होगी तो सीधी सी बात है मार्केट मजबूत होंगे, इकोनॉमी मजबूत होगी तो गोल्ड की मांग निवेश के लिए कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर, भारत और चाइना जैसे देश जहां पर सोना सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, भारत और चाइना में चीजें जैसे जैसे बेटर होंगी, मान लीजिए कि जीडीपी के नंबर आने वाले क्वार्टर में और खराब होने के बाद उसके अगले क्वार्टर से सुधरने लगते हैं, 4 क्वार्टर बाद या 7 क्वार्टर बाद जब से भी सुधरने लगते हैं और लोगों का जो इनकम लेवल है वो सुधरता है और वो दोबारा बाइंग लेकर आते हैं, या मान लीजिए बहुत ज्यादा और ज्यादा स्थिति खराब होती है तो बाइंग और ज्यादा कम कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक ये फैक्टर है जो सोने की कीमतों को बढ़ाने में या घटाने में असर डालेगा। तो ये 4-5 बड़ी चीजें हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज आप और मान सकते हैं, वो है सेंट्रल बैंक्स की ओर से बाइंग। पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एशिया के और देश हो, सारे सेंट्रल बैंक्स इस समय अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की भी जो सीमा है उसको बढ़ा रहे हैं। गोल्ड इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि गोल्ड एक प्रॉमिसिंग एसेट दिख रहा है जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसलिए गोल्ड को भी देख, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी कहीं ना कहीं गोल्ड की कीमत को प्रभावित कर रही है। ईटीएफ में भी हमने देखा, गोल्ड ईटीएफ 5-6 साल से लगातार इंडिया में आउटफ्लो थे, मतलब कि ईटीएफ से पैसा निकल रहा था, 6 साल बाद अचानक ऐसा हुआ कि ईटीएफ में भी पैसा आने लगा, यानी कि निवेश की मांग बढ़ गई। तो ये 5-6 बड़े फैक्टर आप मान सकते हैं जो सोने की कीमतों को अभी भी और आने वाले 1-2 महीने में भी प्रभावित करते थे। ठीक है शुभम, आपने देश की इकोनॉमी की स्थिति का जिक्र किया था अभी। फिच का प्रोजेक्शन है और भी गोल्डमैन सैक्स का भी है कि -10.5 -11 इस तरह के प्रोजेक्शन है कि ओवरऑल भारत की जीडीपी इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में इतनी नेगेटिव ग्रोथ देखेगी। तो ऐसी स्थिति का गोल्ड की कीमतों से जो सीधा रिश्ता है, मतलब आने वाले 1 साल के लिए, जब कम से कम ये तय है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे यहाँ नेगेटिव ग्रोथ होनी है, गोल्ड की कीमतें कैसी रहेंगी? वो कमोबेश इसी तरह की रहेंगी जैसा पिछले 5-6 दिनों से ट्रेंड है? देखिए, जहां आपने बात की जीडीपी की, यहां पर हमें कुलदीप 2 चीजें समझनी होंगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जीडीपी अगर खराब है, जीडीपी के खराब होने का मतलब यह है इकोनॉमी आपकी दिक्कत में है। बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमी दिक्कत में है
तो आपको गोल्ड में बाइंग बढ़ेगी क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेंगे और एसेट क्लास उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो गोल्ड में आपकी बाइंग बढ़ेगी। लेकिन ठीक उसी के सापेक्ष हमें एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि भारत गोल्ड के उपभोग के हिसाब से दुनिया के शीर्ष देशों में आता है। चाइना और भारत ये दो देश ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा सोने को कंज्यूम करते हैं। वहां भी हमें ये समझने की जरूरत होगी कि अगर लोग इकोनॉमी खराब होगी तो उनकी आय पर संकट होगा, उनके रोजगार पर संकट होगा, उनके जीवन यापन पर संकट होगा। भारत में सोने की बड़ी डिमांड 60% 80% डिमांड कह लीजिए कि रूरल इकोनॉमी से आती है। रूरल इकोनॉमी में अगर रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, बहुत सारे लोग शहर से गांव चले गए हैं नौकरियां छोड़कर, तो निश्चित तौर पर वो डिमांड को भी प्रभावित करेगा। तो भारत की इकोनॉमी का खराब होने की रोशनी में अगर आप सोने को देखते हैं तो वहां एक प्लस फैक्टर है, एक माइनस फैक्टर है। प्लस फैक्टर ये है कि इकोनॉमी खराब है तो फंड मैनेजर निश्चित तौर पर स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डाल सकते हैं, निवेश मांग बढ़ सकती है। नेगेटिव फैक्टर यह है कि इकोनॉमी खराब है तो इसका मतलब लोग परेशान होंगे, उनके रोजगार का, उनकी आय का संकट होगा, तो निवेश की मांग टूटेगी। फिर चाहे वो फेस्टिवल सीजन हो, फिर चाहे वो शादियां हो, भाई जनरली क्या होता है कि इस समय अभी एक महीने बाद धान की फसल उठेगी, फसल उठेगी तो किसान के हाथ में मुट्ठी में पैसा आएगा, पैसा आएगा उससे अगर अपनी बिटिया की शादी करनी होगी तो वो सोना खरीदेगा, सीधा सा फैक्टर है। बट अगर मान लीजिए कि रूरल इकोनॉमी में क्राइसिस है, वो व्यक्ति जो शहर रहता था और अपने घर पैसा भेजता था, 15,000 रुपए कमाता था और 5,000 खर्चा करके 10,000 रुपए अपने घर भेजता था, अब वो खुद ही घर चला गया है और उसका पूरी डिपेंडेंसी जो है वो केवल उस कृषि की आय पर आ गई है, जो पहले शहर की आय और कृषि आय दोनों पर थी, तो निश्चित तौर पर उसकी आय कम हो जाएगी। आय कम हो जाएगी तो वो जो अगर किसी समय 50,000 रुपए का सोना साल में खरीदने की हैसियत रखता था तो उसकी हैसियत घट के कम हो जाएगी, 20,000 रह जाएगी, 10,000 रह जाएगी या नहीं खरीदेगा, क्योंकि कीमतें भी 50,000 पहुंच गई हैं, कीमतें भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर आप भारत की के आर्थिक विकास दर के अनुमान की रोशनी में सोने को देखते हैं तो स्थिति कमोवेश एक सी रहेगी कि अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव फैक्टर भी। एक आखिरी सवाल शुभम मेरा, ये बात हमने पहली बार शायद जब चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे उस दौर में पढ़ी थी, तब से कई बार हम सुनते हैं कि आप जो सोना खरीदते हैं वो सरकार की सांसें चढ़ाने वाला भी होता है अगर आप बहुत ज्यादा उसकी खरीदारी करें, क्योंकि वो दूसरी जगहों पे निवेश को सीमित कर देता है, लिक्विडिटी को खत्म कर देता है। बहुत ज्यादा मैं समझता नहीं हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ कि सरकार जो इकोनॉमी के पुर्जे ठीक करने में लगी हो उसके लिए इसका क्या मतलब है अगर लोग गोल्ड की खरीदारी ज्यादा करने लगे। देखिए, निवेश मांग से सरकार को उतनी दिक्कत नहीं है, यही कारण है कि गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, इन सब चीजों को सरकार प्रमोट करती है कि आप पैसा वहां इन्वेस्ट कीजिए, आप अगर आपको करना है तो बॉन्ड के थ्रू कीजिए। बट हाँ, गोल्ड का निवेश कभी भी सरकारें इसलिए पसंद नहीं करती हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है, या उनका क्या एक वो मोटी तौर पे बात है कि आप सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने मान लीजिए आप हैं, कुलदीप हैं, कुलदीप को 1,00,000 रुपए निवेश करने हैं। अब कुलदीप ने उस 1,00,000 रुपए का, सपोज कीजिए कि मार्केट में आज एक IPO आया है, उस 1,00,000 रुपए को उस IPO में लगा दिया। उस IPO में अगर कुलदीप 1,00,000 रुपए लगाएंगे तो क्या होगा कि उस कंपनी को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। उस 1,00,000 रुपए से उस कंपनी की कोई विस्तार योजनाएं होंगी, वो फैक्ट्री लगाएगी, वो फैक्ट्री लगाएगी तो फैक्ट्री में लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी तो लोग कमाएंगे, लोग कमाएंगे तो लोग खर्च करेंगे, लोग खर्च करेंगे तो पैसा हाथ बदलेगा, पैसा हाथ बदलेगा तो GDP बढ़ेगी। ये पूरा कंप्लीट साइकिल है। अब दूसरी स्थिति कि कुलदीप ने 1,00,000 रुपए का सोने के गहने खरीदे और लाकर लॉकर में बंद करके रख दिए, वो मनी 1,00,000 रुपए कुलदीप के यहाँ लॉकर में बंद होकर रख गई, वो इकोनॉमी में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, इकोनॉमी में कहीं भी अपना कह लीजिए कि जो इकोनॉमी में ऐड कर सकती थी, इकोनॉमी में पैसा ऐड कर सकती थी, जॉब ऐड कर सकती थी, वैल्यू ऐड कर सकती थी, उसने वो नहीं किया। ये बहुत एक प्लेन सी बात है कि सरकारें हमेशा ये चाहेंगी कि निवेश ऐसी जगह पर हो जहां पर पैसा इकोनॉमी में आए, हाथ बदले और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, ना कि ऐसी जगह की कहीं पर अगर वो डेड होकर रख जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम शंकरधर, आपसे बात करके हमेशा की तरह बहुत सारी गांठें हमारी खुली, नई चीजें पता चली। और पॉडकास्ट में आज इतना ही। शुभम शंकरधर से ये बातचीत आपको कैसी लगी, काम की लगी हो तो हमें ईमेल करके बताइए, और ये भी बताइए कि और किन किन विषयों पर आप चाहते हैं कि हम शुभम जी से बात करें,
या किसी और एक्सपर्ट से बात करें, हमें ईमेल आप कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र के साथ है, आप नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।